हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे सो फाइनली आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एन वन का रिवाइज रिजल्ट जो है वो आज से दो दिन पहले आ चुका है और रिवाइज रिजल्ट में इस बार जैसा कि हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट के बाद रेलवे की साइड से कन्फर्म किया गया था कि जो इस बार रिवाइज रिजल्ट आएगा उसमें यूनिक रोल नंबर होंगे बोले तो एक बच्चे को एक जगह ही काउंट करके हम बीस गुना बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और ठीक इसी टाइप से ही इन लोगों ने सिलेक्शन किया है इस स्टूडेंट्स का तो सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेन एंड बहुत सारा ऑल द बेस्ट जिन बच्चों का सीबीटी वन का रिवाइज रिजल्ट में नाम आ चुका है और जो आप सीबीटी टू के लिए तैयारी करने लग गए होंगे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं तीन दिन से लगातार मैसेज आ रहे हैं इनफैक्ट जब सीबीटी वन का पहले इससे पहला जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में भी फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की स्टूडेंट्स थे जिनमें से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और इस बार तो बहुत ही ज्यादा दो दिन से लगातार मेरे पास इतने सारे ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास और हमारे टीम के टीचर्स और सारी टीम के पास कि मैम हमारा सिलेक्शन हो चुका है आप सीबीटी टू की तैयारी कैसे करें कुछ बताइएगा आज किस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं मैं आपको कुछ यहाँ पर बातें बताने वाली हूँ सी बी के लिए कि किस तरीके से सी बी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि अब अपने पास कितना टाइम बचा है और सी बी के रिजल्ट के बाद कुछ बच्चों के डाउट थे वो सारे डाउट में दो दिन से कलेक्ट कर रही थी तो मुझे लगा एक ही वीडियो बना दूं जिस एक वीडियो में आपके जितने भी आ रहे हैं बच्चे का रोल नंबर एक ही जगह काउंट किया मतलब बोले तो यू, यूनिक रोल नंबर इस बार काउंट किए लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद बहुत सारे बच्चों को अलग अलग कंफ्यूजन रहा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम मेरा स्कोर कार्ड में तो नाम है लेकिन मेरा रोल नंबर शो नहीं

और स्कोर कार्ड के अंदर किसी ना किसी लेवल में आपको शॉर्टलिस्ट किया है तो इसका मतलब आप उस लेवल के लिए क्वालिफाइड हैं, सीबीटी टू का एग्जाम आप उस लेवल के लिए दे सकते हैं तो बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन था पिछले तीन दिन से कि मैम हमारा रोल नंबर नहीं दिख रहा है मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा क्या किस टाइप का रिजल्ट है तो अगर आपका रोल नंबर उस जोन में नहीं दिखा रहा है लेकिन आपको उस लेवल के अंदर आपको शॉर्टलिस्ट कर रखा है चाहे वो लेवल फाइव हो लेवल सिक्स हो इसका मतलब आप उस लेवल के एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाइड है फॉर सीबीटी राइट तो रोल नंबर को भूल जाइए क्योंकि रोल नंबर हर जगह शो करते तो यूनिक रिजल्ट किस टाइप से बन बना पाते लेकिन अगर आप कहीं पर भी किसी भी लेवल के अंदर क्वालिफाइड हैं शॉर्टलिस्ट हैं इसका मतलब आप लेवल टू का एग्जाम उस लेवल के लिए देने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये था कि क्या मैम सीबीटी टू का पेपर है वो लेवल वाइज होगा रेलवे yes, बहुत पहले क्लियर कर चुका है कि ले, लेवल वाइज एग्जाम करवाएगा आरआरसी ग्रुप डी जो है वो जोन वाइज होगा सीबीटी टू का पेपर जो है वो आपका लेवल वाइज एग्जामिनेशन के आधार पर होगा मतलब जितने लेवल में आप क्वालिफाइड है उसके हिसाब से आपको उस लेवल का पेपर देना पड़ेगा फॉर द सीबीटी टू

क्योंकि इन्होंने कहा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम रिजल्ट देंगे रिवाइज आप देखिए अप्रैल तो आज स्टार्ट हो रहा है लेकिन इससे पहले देखो इन्होंने रिजल्ट दे दिया तो अभी तक नोटिफिकेशन के आधार पर काम करें तो उसके आधार पर अगर हम माने तो मतलब आपके पास महीना है पूरा अप्रैल है आपके पास और मई के फर्स्ट वीक में सबसे पहले इन्होंने कहा लेवल सिक्स का एग्जाम करवाएंगे और लेवल सिक्स के बाद धीरे 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 ये लोग पूरे एग्जामिनेशन करवा देंगे जिस भी लेवल के लिए आप शॉर्टलिस्टेड लिस्टेड है उस लेवल का पेपर देंगे और ये पेपर कब तक चलेंगे बच्चा जैसे रेलवे ने पिछले नोटिफिकेशन में लिखा कि जून में या जून लास्ट तक हम आरआरसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन स्टार्ट करवा देंगे तो मतलब इनका कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है और सिनेरियो को देखें तो हम ये ये सोच रहे हैं कि मई में आपका सीबीटी टू का एग्जामिनेशन पूरा लेवल के लिए क्लियर करवा देंगे ये कंप्लीट करवा देंगे तो हमें इसी नोटिफिकेशन के आधार पर काम करना चाहिए फिर भी अपने पास एक महीना पूरा है ना पूरा और पढ़ा जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है कुछ अलग पढ़ने की कोशिश भी मत करना आज तक अगर नहीं पढ़ा तो आप उसे कोशिश भी मत करना नहीं तो जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ये जो एक महीना है ना ये आपकी प्रैक्टिस आप कुछ बच्चे तो मैं ऐसे आ, आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे से कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमें तो इतनी तो देर नाइन्टी मिनट्स तक हम तो कंप्यूटर के स्क्रीन भी नहीं देख पाते हैं तो ये एक महीना आपका प्रिपरेशन का है कि आप किस तरीके से किस माइंड मेकअप के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाले हैं फॉर द सीबीटी टू तो बच्चों कुछ बातें ध्यान से सुन लो अगर आपका कहीं पर भी किसी भी लेवल में आप शॉर्टलिस्टेड हैं तो मतलब आपका उस लेवल के लिए आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं चाहे, आपका शो हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है दूसरा सीबीटी टू का एग्जामिनेशन है वो प्रीवियस नोटिफिकेशन के आधार पर मतलब मई में फर्स्ट वीक में होना है सबसे पहले लेवल सिक्स का होना है उसके बाद लेवल फाइव का और ऐसे सारे लेवल के लिए होने वाले हैं लेवल वाइज पेपर होगा पॉइंट नंबर थ्री जो ये है वो ये है कि कुछ बच्चों का ईडब्लू एस वाले का देखो रेलवे पहले ही क्लियर कर चुका है कि अगर आपने जब फॉर्म भरा था आपने जब उस समय अगर आप, अपने अपने आप आप आपको ईडब्ल्यू एस के अंदर दिखाया है तो बिल्कुल वैलिड होगा चाहे आपके पास ईडब का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपने अप्लाई किया है तो उसका फॉर्म भी आप दिखा देंगे तो भी वो आप, आपको ईडब्ल्यू एस में काउंट करेगा लेकिन अगर आपने उस समय अपने आपको EWS में काउंट नहीं करा आपने नहीं फॉर्म भरा तो आज आपके पास चाहे सर्टिफिकेट कुछ नहीं होने वाला है। ये रेलवे बहुत पहले क्लियर कर चुका है तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट भी नहीं है आपके पास अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है, है ना क्योंकि उस समय तक ईडब्ल्यू तो एस की कोई जानकारी नहीं थी लेकिन रेलवे ने साफ कहा है कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या आपके पास फॉर्म भी सबमिट किया है उसका रिसिप्ट है या आपने जिस समय फॉर्म सबमिट किया था उस समय अगर आपने अपने आपको ईडब्लू एस में दिखाया है तो इसका मतलब आपका ईडब्ल्यूएस के अंदर ही आपका कैटेगरी माना जाएगा अगला सीबीटी टू का एग्जामिनेशन कब होगा तो मैं पहले क्लियर कर चुकी हूं मई के फर्स्ट वीक में और बहुत जल्दी इसका कैलेंडर भी हमें मिल जाने वाला है अब बात यह आती है कि सीबीटी टू के एग्जामिनेशन की तैयारी एक महीने में कैसे करें कुछ पॉइंट बता रही हूँ वो ध्यान से सुन लीजिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता है कि पेपर में क्या आने वाला है आप जानते हैं कि टोटल 120 सौ बीस यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 120 क्वेश्चन मिलेंगे बस सीबीटी वन में क्या थे 100 क्वेश्चन थे यहाँ पे 20 परसेंट बढ़ा दिए गए हैं 100 so का मतलब 120 क्वेश्चन कर दिए हैं मतलब 20 क्वेश्चन टाइम वही है 90 मिनट्स 90 मिनट्स तो आपको सीबीटी वन में मिले थे 90 मिनट्स से आपको सीबीटी में मिलेंगे 20, 20, बस बस 20 डिफरेंस है कि क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं थोड़ा सा पेपर का लेवल ऊपर आएगा और जब बात करेंगे 120 क्वेश्चन में से तो 35 क्वेश्चन तो आपको मैथ्स के मिलने वाले हैं मैथ्स में कोई नया चैप्टर नहीं है वही चैप्टर पढ़ने हैं जो सीबीटी वन में है बस मैंने कहा ना थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल यहां पे इंक्रीज होने वाला है और क्वेश्चन का नंबर भी ज्यादा हो गया ये डिफरेंस है सीबीटी और सीबीटी टू में दूसरा पैंतीस क्वेश्चन थर्टी फाइव क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिलने वाले हैं रीजनिंग में भी सेम सिलेबस है सिलेबस कोई चेंज नहीं है आपका सीबीटी टू के लिए और बाकी के फिफ्टी क्वेश्चन में आपको जीए जनरल अवेयरनेस इस जनरल अवेयरनेस में आपको स्टैटिक जीके स्टैटिक का पार्ट मिलेगा देखने को इसके साथ साथ इस जनरल में आपको जनरल साइंस मिलेगी सामान्य विज्ञान आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ईवीएस से कुछ क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा आपका वही जनरल स्टडी वाला पार्ट हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इनसे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मिलते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह से थोड़े क्वेश्चन कम मिलते हैं प्रीवियस पेपर को हम देखें तो और साथ में आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो 50 क्वेश्चन में आपका ये पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया थर्टी फाइव क्वेश्चनिंग वन ट्वेंटी क्वेश्चन और टाइम है आपके पास 90 मिनट्स बस सीबीटी वन और सीबीटी टू में डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे 100 क्वेश्चन थे इधर 120 क्वेश्चन है टाइमिंग सेम है और नेगेटिव मार्किंग वन थर्ड तीन गलती पर एक नंबर तीन गलती पर आपका एक नंबर चला जाएगा अब अच्छा महीना आप मोटा मोटा मान के चलो हमारे पास पूरा अप्रैल है अब पूरे अप्रैल में आपको क्या करना है सबसे पहला पॉइंट कुछ नई चीज आप नहीं पढ़ पाओगे आप नई चीज के साथ जबरदस्ती करोगे तो पुरानी चीजों की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्या करना है सबसे पहला आपको लगाने हैं पर डे दो मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाने हैं क्योंकि बच्चा मॉक टेस्ट अगर आप ऑनलाइन लगाओगे तो आपको मालूम चलेगा ना कितनी देर तक आप स्क्रीन को फेस कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के के साथ अलग अलग टाइप इश्यूज होते हैं बहुत देर तक स्क्रीन देखता है लैपटॉप की या कंप्यूटर की तो उसके आंसू आने लग जाते हैं आईसाइट बहुत कमजोर हो चुकी है मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको मालूम चलेगा टाइम मैनेजमेंट का कि 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो आपकी एक्यूरेसी क्या निकल के आ रही है मैथ्स में क्या पार्ट है जिसको मैं हल्का सा रिवाइज करके और स्ट्रोंग कर सकता हूं तो सबसे पहला नजर में अगर मैं मानूं, तो जो बेस्ट है उसमें सबसे पॉइंट नंबर वन यही है कि अब आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए पर डे दो तीन चार पांच जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और उस मॉक टेस्ट में साथ में प्रीवियस ईयर को भी शामिल रखिएगा

आपको रिवीजन करना है मैं अगेन आपको वापस रिपीट कर दूं कि कोई नई चीज मत पढ़िएगा। रिवाइज करो रिवीजन करो और रिवीजन आप बोलोगे कि किसका करें जब आप ये मॉक टेस्ट लगाओगे ना खुद से मालूम चल जाएगा आपको कि क्या हमें रिवाइज करने की जरूरत है किस पार्ट को मैं कम समय में वापस रिवाइज करके मैं अपने मार्क्स बढ़ा सकता हूं कोई एक आ, पर्टिकुलर चैप्टर है जो मेरे को बहुत सही था लेकिन अब मैंने इन दिनों में उसका रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करा तो कहीं मैं लैक कर रहा हूं तो इन दोनों चीज में आप वापस जब रिवाइज करोगे मॉक टेस्ट लगाओ रिवीजन लगाओ करो किस टाइप का तीसरा एनालिस करो कि भैया कहां पर कौन सा पार्ट है जहां पर मैं स्ट्रोंग कर सकता हूं नई चीज के साथ छिड़का मत करना जब आप तीन साल में नहीं पढ़े हैं तो अब आप एक महीने में आप कोई तीर नहीं मार लेंगे पुराना जो पढ़ा है उसको अपना बेस्ट दे दो मतलब इस तरीके से तैयारी करो कि अगर आपके पांच चैप्टर थे तो अगर आपने चार चैप्टर करें तो चार चैप्टर में से कोई क्वेश्चन मेरा स्किप नहीं होना चाहिए लेकिन पांचवे को हाथ मत लगाना अब पांचवे को हाथ लगाओगे ये चार में भी बीच में अटक जाओगे इसलिए मैं बार बार कह रही हूं जो पढ़ा है थ्योरी उसी का ही एक तो मॉक टेस्ट लगाओ रिवीजन करो मॉक टेस्ट लगाओ रिवीजन करो और एनालाइसिस करो कि भाई एनालाइज करो कि कहां पर कौन सा पार्ट है जिसको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं अभी भी एक महीने में और साथ में फोर्थ प्रीवियस ईयर लगाओ प्रीवियस ईयर लगाओगे जब पी वाई क्यों करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो और रिवीजन के लिए स्पेसिफिक चैप्टर ये नहीं आज बैठूंगा आज तो मैं मैथ्स का ये चैप्टर पूरा लगा डालूंगा मॉक टेस्ट तो डेली की हैबिट में ले आओ तीन से चार मॉक टेस्ट पर डे दोगे तो बहुत आज से एक महीने के बाद जब पेपर देने एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तब तक आपका कुछ नहीं तो टाइम मैनेजमेंट का आपको एहसास हो चुका होगा आपको 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन कर भी पा रहे हो क्या 90 मिनट्स तक आप कंप्यूटर का स्क्रीन देख पा रहे हो क्या तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है उसके साथ रिवीजन, उसके साथ एनालिसिस और पॉइंट नंबर फाइव जो है फोर्थ पे प्रीवियस और फिफ्थ पे आप याद रखिएगा कोई भी बच्चा डिमोरलाइज नहीं होगा नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है मेरे से नहीं होगा कमजोर पड़ रहे हैं मैं क्विट कर दूं नहीं बहुत कुछ आप लोग याद करो कि हमने इस इस एग्जामिनेशन के लिए और इस रिजल्ट के लिए कितना कुछ सहा था हमने तीन साल लगे आप लोगों को यहां तक पहुंचने में तो बिल्कुल नेगेटिव चीजों को एकदम नकार के सुबह सुबह चार पांच बजे उठकर बढ़िया अपने मॉक टेस्ट लगाओ दो मॉक टेस्ट सुबह दो मॉक टेस्ट शाम को दिन में रिवाइज करो दिन में रिवाइज हैबिट बना लो ये एक महीना है एक महीने के अंदर सारा पार्ट रिवाइज करके मॉक टेस्ट लगा दो कम से कम एक महीने में सो मॉक टेस्ट लगा डालो और मैं मानती हूं अगर आप सौ मॉक टेस्ट लगा डालोगे तो कुछ नहीं तो इतना सीख के जाओगे कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन कर भी पा रहा हूं या कितने कर पा रहा हूं क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट है क्या मेरी एक्यूरेसी है क्या मेरी स्पीड है 90 मिनट्स तक मैं कंप्यूटर का स्क्रीन फेस भी कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं कि ऑनलाइन एग्जाम है बच्चा तो आज से ही शुरू कर दो दो मॉक टेस्ट सुबह दो मॉक टेस्ट शाम को अगर आपको मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट लगाने में यह है कि मैं मैं कहां कहां से लगाऊं पे टेस्ट, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर देती हूं सुनिए अगर सबसे पहली बात अगर किसी बच्चे को मैंने कहा ना जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन आप पूरे पार्ट का तो हो नहीं पाएगा कोई एक पार्ट है जिसमें आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उस पार्ट को आपको पढ़ना है तो अब लाइव बैच में जाने का कोई मतलब नहीं बनता लाइव बैच में कोई भी एक महीने में सीबीटी टू का सिलेबस नहीं करवा सकता है मालूम है आपको कैसे करवा देंगे यार एक महीने में इतने सारे सब्जेक्ट इतना सारा सिलेबस आप जाइए रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में जो पहले से वीओडी पढ़ा है वीडियो ऑन डिमांड है जिसमें सीबीटी का पहले से हमने बैच कंप्लीट कर रखा है उस वीओडी वाले सेगमेंट में वीडियो ऑन डिमांड वाले सेगमेंट में जाओ वहां पर आपको कोई भी पार्ट में कहीं पर भी आपको रिवाइज करने का प्रॉब्लम है कुछ पढ़ना है आपको रिविजन करना है तो आपके पास सारे सब्जेक्ट हैं मैथ रीजनिंग साइंस जीके जी के हिस्ट्री पॉलिटिक्स जोग्राफी इकोनॉमिक सब आपको मिल जाएगा ये ये, ये आरआरबी एनटीपीसी टू के लिए तैयारी जी टू का वीओडी है VOD वाले सेगमेंट में आपको मिल जाएगा जिसका अमाउंट ट्रिपल लाइन है लेकिन आप इस पे प्रोमो कोड लगा लीजिएगा टाइम्स 40 तो आपको 40 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा मतलब लमसम 600 हंड्रेड का लमसम आपको ये बैच पड़ेगा ये सिर्फ आपको रिवीजन के लिए लेना है जिसने ले रखा है वो बच्चे कर रहे हैं हजारों बच्चे कर रहे हैं यहाँ से प्रिपरेशन वो अपनी रिविजन कर रहे हैं लाइव बैच कोई भी नहीं आने वाला ना हमने कोई लाइव बैच को अभी आपके सामने कुछ बोला क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तब से सीबी टीवन का रिवाइज रिजल्ट आया मैम बैच ले आओ बैच ले आओ बैच एक महीने में नहीं मैं आप हम लोग आपको टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं जो एक महीने में लास्ट की स्ट्रेटेजी है वो आपको करना है तो अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो आप ये ले सकते हो कोई पार्ट एक आपका कमजोर है उसका कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है साथ में आपको क्या करना है ये है अपने सीबीटी टू के मॉक टेस्ट 266 मॉक टेस्ट है फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करो डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाओ और जैसे ही टेस्ट सीरीज में जाओगे तो बच्चा वहां पर सीबीटी 2 के लिए हमारे पास 151 प्रीवियस ईयर के सेट हैं यहां पे मॉक सेट है और साथ में 266 मॉक टेस्ट है सीबीटी 2 के लिए ये लगाओ एक-एक साल से बच्चे लगा रहे हैं यहां पे पता है ये मॉक टेस्ट लगा लो या तो आप हमारा फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में या आप वेबसाइट सर्च कर लो डब्ल्यू डब्ल्यू रजिस्टर करके ये एन टीपीसी टू के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मॉक टेस्ट लगाओ कंप्यूटर में ओपन करना मोबाइल फोन में करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को प्रॉब्लम इन द सेंस कि स्क्रीन छोटा रहेगा कैसे कर पाओगे और तीसरा आप ये ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल देना तीन अप्रैल को सुबह आठ बजे से लेकर रात के आठ बजे तक हमारी एप्लीकेशन पर ऑल इंडिया लाइव टेस्ट हो रहा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम सीबीटी टू के प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर या तो फ्यूचर टाइम्स क्वेश्चन के एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज वाले आइकन में जाओ वहां मिल जाएगा लाइव टेस्ट या आप इस वेबसाइट पर जाओ डब्ल्यू इस पे जाओ और इस पर जाकर ये मॉक टेस्ट संडे को आठ बजे से सुबह आठ बजे से रात के आठ बजे तक आप दे सकते हैं नौ बजे आपका रिजल्ट आएगा आपको मालूम चल जाएगा कि रिजल्ट में आपने कहां पर क्या गलती की है उसका सॉल्यूशन आप देख पाएंगे ये सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं हमारी टीम तो आपको अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम है कोई एक ऐसा चैप्टर है जो आप करना चाहते हैं वीओडी लो वरना टेस्ट सीरीज लो देखो टेस्ट सीरीज पर टाइम्स एट्टी का प्रोमो कोड लगा लेना बहुत ही ऐसे ही होगा सौ एक सौ बीस रुपए की टेस्ट सीरीज पड़ेंगे आपको ज्यादा नहीं है सौ एक सौ बीस रुपए की टेस्ट सीरीज पड़ेंगे और साथ में ये लाइव टेस्ट देना ना भूले इस संडे को सुबह आठ से लेकर रात के आठ बजे तक नौ बजे आपका टाइम शो हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन पे जाओ फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का या ये वेबसाइट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो डब्ल्यू और बिल्कुल तैयार हो जाओ पेपर देने के लिए क्योंकि आपका पेपर जो है वो मई में होना ही होना है तय है होना ही होना है बाकी मैं इसके अलावा एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी आपको एक महीने की अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किस तरीके से एक महीने को आप यूटिलाइज करके बढ़िया तरीके से स्कोर करें 100 प्लस मार्क्स टारगेट बड़ा होगा ना तो मेहनत भी उतनी लगेगी अचीव करने में और मेहनत तो लगानी पड़ेगी अब आपको लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी अभी गलत डायरेक्शन का टाइम नहीं है आप लोगों के पास अभी तो मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी इस वीडियो से आपको खूब अच्छी जानकारी मिली होगी और अगेन उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका से में रिवाइज रिजल्ट आया है और उसके साथ साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बताऊंगी किस तरीके से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे थे जिस एग्जाम का क्या पैटर्न था उसके आधार पर आप कैसे पढ़ सकते हैं जो कल या परसों तक आपका अपलोड हो जाएगा चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच बाय